अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम 50 ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में मोस्टली यूज करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मेरा एक दोस्त रोजाना ऑफिस जाता है। देयर इज माई फ्रेंड हु गोज टू ऑफिस डेली। मेरा एक दोस्त रोजाना ऑफिस जाता है। देयर इज माई फ्रेंड Who goes to office daily? क्या वो तुम्हें जानता है? Does he know you? Does he know you? Know का मतलब होता है जानना। क्या वो यहां कभी कभी आता है? Does he come here sometimes? क्या वो यहां कभी कभी आता है? Does he come here sometimes? Sometimes कभी कभी। मुझे नहीं पता वो यहाँ कब आता है। I don't know when he comes here. मुझे नहीं पता वो यहाँ कब आता है। I do not know when he comes here. मैं नहीं जानना चाहता वो क्या चाहती है। I don't want to know what she wants. मैं नहीं जानना चाहता वो क्या चाहती है। I don't want to know what she wants. I don't want, मैं नहीं चाहता, to know, जानना, what she wants, वो क्या चाहती है। कितने लोग यहाँ हर इतवार को आते हैं? How many people come here on every Sunday? कितने लोग यहाँ हर इतवार को आते हैं? How many people, मतलब कितने लोग come here, यहाँ आते हैं on every Sunday, हर इतवार को। How many people come here on every Sunday? किचन में हर रोज क्या गिर जाता है? What falls down every day in the kitchen? किचन में हर रोज क्या गिर जाता है? What falls down every day in the kitchen? दोस्तों, falls down का मतलब होता है नीचे गिरना। क्या तुम उन लोगों को जानते हो? Do you know those people? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? Do you know those people? उनमें से एक लड़की यहाँ रोज आती है। One of those girls comes here daily. उनमें से एक लड़की यहाँ रोज आती है। One of those girls comes here daily. One of those, उनमें से। उन लड़कों में से एक मेरा भाई है। One of those boys is my brother. उन लड़कों में से एक मेरा भाई है। One of those boys is my brother. One of those, उनमें से। उन लड़कों में से कुछ मेरे दोस्त हैं। Few of those boys are my friends. उन लड़कों में से कुछ मेरे दोस्त हैं। Few of those boys are my friends. Few of those का मतलब होता है उनमें से कुछ। क्या तुमने अपने कपड़े धो लिए हैं? Have you washed your clothes? क्या तुमने अपने कपड़े धो लिए हैं? Have you washed your clothes? वॉश मतलब धो लिए। वॉश का मतलब होता है धोना। क्या तुमने खाना खा लिया है? Have you had your food? Have you had your food? क्या तुमने खाना खा लिया है? यहाँ had का मतलब है कर लिया या खा लिया। Had का मतलब होता है कर लिया, किसी चीज का मुकम्मल हो जाना। यहाँ हमने मीनिंग लिया है खा लिया। Have you had your food? क्या तुमने खाना खा लिया है? तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? What have you been doing here for 2 hours? तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? What have you been doing here for 2 hours? 2 hours, 2 घंटे से। Sorry, for 2 hours, 2 घंटे से। क्या कुछ लोग सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? Have some people been waiting for you since morning? क्या कुछ लोग सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? Have some people been waiting for you since morning? ये present perfect continuous tense का फिकरा है। क्या कुछ लोग सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? Have some people been waiting for you since morning? Since morning, सुबह से। Some people, कुछ लोग। क्या तुम्हारे पास कोई कार है? Do you have any car? Do you have any car? क्या तुम्हारे पास कोई कार है?
कितने साल से तुम्हारे पास ये कार है? For how many years have you had this car? कितने साल से तुम्हारे पास ये कार है? या कितने सालों से तुम्हारे पास ये कार है? For how many years have you had this car? For how many years? कितने सालों से या कितने साल से? उसे दो दिनों से बुखार है. He has been suffering from fever for 2 days. उसे दो दिनों से बुखार है. He has been suffering from fever for 2 days. Suffering का मतलब होता है किसी चीज से गुजर रहा हो कोई. सफर में नहीं गुजरना, किसी चीज से गुजर रहा हो. सफरिंग, फीवर मतलब बुखार, मतलब वो दो दिनों से बुखार से, बुखार की हालत से गुजर रहा है. He has been suffering from fever for 2 days. तुम 2 साल से क्या कर रहे हो? What have you been doing for 2 years? What have you been doing for 2 years? तुम 2 साल से कर क्या रहे हो? जब उसकी शादी हुई है, जब से उसकी शादी हुई है वो रो रही है. She has been crying since she got married. जब से उसकी शादी हुई है वो रो रही है. She has been crying since she got married. Got married मतलब शादी हो गई या शादी हुई. जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो कार नहीं चला रहा है. He has not been driving a car since he met with an accident. जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो कार नहीं चला रहा है. He has not been driving a car since he met with an accident. दोस्तों यहाँ मतलब है met with an accident, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ. वैसे meet का मतलब होता है मिलना और met का मतलब होता है मिला. यहाँ हमने सेंटेंस के लिहाज से इसका मतलब लिया है met with an accident, मतलब जब से उसका एक्सीडेंट हुआ. Since he met with an accident, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ. जब से मैंने उसे देखा है मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ. I have been thinking about her since I saw her. जब से मैंने उसे देखा है मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ. I have been thinking about her since I saw her. See का मतलब होता है देखना, saw मतलब देखा, thinking सोच रहा हूँ. I have been thinking about her since I saw her. क्या तुम आहिस्ता बोलोगे? Will you speak slowly? क्या तुम आहिस्ता बोलोगे? Will you speak slowly? Slowly का मतलब होता है आहिस्ता से या आहिस्ता. क्या तुम मुझे बैठने दोगे? Will you please let me sit? Will you please let me sit? क्या तुम मुझे बैठने दोगे? Let me sit, मुझे बैठने देना या मुझे बैठने दो. क्या आप थोड़ी जगह देंगे? Will you please move a bit? क्या आप थोड़ी जगह देंगे? Will you please move a bit? Move का मतलब होता है हटना या हिलना. Bit में नहीं होता है, मामूली सा या थोड़ी सी या थोड़ा सा. मुझे भी आपकी मदद करने दो. Let me also help you. Let me also help you. मुझे भी आपकी मदद करने दो. माफ कीजिए, मैंने दखल अंदाजी की. Sorry to have disturbed you. माफ कीजिए, मैंने दखल अंदाजी की. Sorry to have disturbed you. दोस्तों disturb का मतलब होता है disturb का मतलब होता है परेशान करना. Disturbed मैंने परेशान किया. यहाँ हमने मतलब लिया है disturbed मतलब दखल अंदाजी की या दखल अंदाजी करना. माफ करना, मैंने दखल अंदाजी की. Sorry to have disturbed you. उसने क्या कहा? What did she say? उसने क्या कहा? What did she say? वो नकल करने के बजाय नाकाम हो जाएगा. He would rather fail than copy. वो नकल करने के बजाय नाकाम हो जाएगा. He would rather fail than copy. Rather का मतलब होता है बजाय. Fail मीनिंग नाकाम हो जाना. तुम या तुम्हारा दोस्त मुजरिम है. Either you or your friend is guilty. Either you or your friend is guilty. तुम या तुम्हारा दोस्त मुजरिम है. Either you or your friend is guilty. Either का मतलब होता है या तो, मतलब या तुम या तो तुम्हारा दोस्त. Guilty का मतलब होता है मुजरिम. Either you or your friend is guilty. तुम या तुम्हारा दोस्त मुजरिम है. वो मेरी कहानी से बहुत खुश हुआ.
ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी, वो मेरी कहानी से बहुत खुश हुआ। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। अम्यूज का मतलब होता है दिल लगी, यहाँ हमने मतलब लिया है खुशी हुई उसे, बहुत खुशी हुई मतलब उसका दिल लग गया। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी, वो मेरी कहानी से बहुत खुश हुआ। वो मुझे वहां जाने से रोकती है, शी स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, वो मुझे वहां जाने से रोकती है। शी स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, स्टॉप्स मतलब रोकती है। शी स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, वो मुझे वहां जाने से रोकती है। वो स्कूल से गैर हाजिर था, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। उसकी बेइज्जती हुई है, She has been insulted. उसकी बेइज्जती हुई है, She has been insulted. Insulted मीनी बेइज्जती हुई, Insult मीनी बेइज्जत होना। मुझे चक्कर आने लगा, I felt dizzy. मुझे चक्कर आने लगा, I felt dizzy. दोस्तों felt का मतलब होता है महसूस किया, feel का मतलब होता है महसूस करना, और dizzy मीनी चक्कर आना। यहां हमने सेंटेंस कैसे बनाया, मुझे चक्कर आने लगा, आई फेल्ट डिजी, यानी मैंने चक्कर आना महसूस किया, आई फेल्ट डिजी। उसको जुकाम हो गया, ही गॉट फ्लू, उसको जुकाम हो गया, ही गॉट फ्लू। कुर्बान जाऊं तुम्हारी सादगी पर, सैक्रिफाइस फॉर योर सिंप्लिसिटी, कुर्बान जाऊं तुम्हारी सादगी पर, सैक्रिफाइस फॉर योर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी, सैक्रिफाइस कुर्बान होना या कुर्बान जाना। तुम नहीं गिरोगे, यू विल नॉट फॉल, तुम नहीं गिरोगे, यू विल नॉट फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। दफा करो, लेट इट गो, दफा करो, लेट इट गो। इसकी जगह आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जाने दो, लेट इट गो, जाने दो, लेट इट गो। तो दोस्तों जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।